Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. दोस्तों आज मैं कोई ट्रैवल व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ. कैसा लगा मेरा मजाक? अरे घबराइए मत, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. मैं किसी सफ़र की बात नहीं करूँगा, बात करूँगा उसकी जो मेरे हर सफ़र में था. द ऑल न्यू द रेसिंग रेड माई पार्टनर बजाज पल्सर F250 की. तो इस वीडियो में करने वाला हूँ कंप्लीट रिव्यू इस बाइक का. बताऊँगा इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस, इसके वेरियंट्स के बारे में, इसकी प्राइस, इसकी माइलेज, इसका परफॉर्मेंस फिगर एंड ऑल दैट. अगर आप इस बाइक को लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ ये बाइक लेना सही होगा या नहीं. और वीडियो के अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिस्कस करा है. और एक बाइकर कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को फेस करता है, या पॉसिबिलिटी है कि वो फेस करे. पीछे देखो, पीछे. तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए. और अगर आप चैनल पे नए हैं, ट्रैवल वीडियोज़ आपको पसंद है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. और स्पेसिफिकली अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें. थैंक यू. तो चलिए शुरू करते हैं. नमस्ते, सलाम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज जय मंडल एंड यू आर वाचिंग जेएम ट्रैवलॉग. लेट्स गेट स्टार्टेड. पाँच हज़ार किलोमीटर दोस्तों, 5000 किलोमीटर चला चुका हूँ. 6 महीने इस बाइक को लिए हुए चुके और दूसरी सर्विसिंग भी हो चुकी है. मैंने इसे हाईवे पे क्रूज़ करा, ऑफ रोडिंग करी है, अपने गांव के कच्चे सड़कों पे चलाया है, सिटी राइडिंग करी है, ट्रैफिक झेला है और क्या क्या नहीं. और जिस तरीके से इस बाइक ने मेरा साथ झारखंड टू इंदौर वाले सोलो रोड ट्रिप पर दिया, तो इस पर एक वीडियो तो बनाना बनता है ना. तो बात करते हैं इसके मॉडल की. यह है बजाज पल्सर की सबसे लेटेस्ट, सबसे आइकॉनिक पल्सर 220F का बड़ा भाई, यानी कि पल्सर 250F विद सिंगल चैनल ABS. एंड आफ्टर द लॉन्च ऑफ दिस बाइक 220F को डिसकंटिन्यू कर दिया गया. सो अनफॉर्चुनेटली इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर दोज हु आर 220F लवर्स. खैर, F की बात करूँ तो F स्टैंड्स फॉर दिस फेयरिंग डिज़ाइन, जो आप कॉन्सोल से लेकर टैंक तक देख सकते हैं. 250 ऑफ कोर्स इज द कैपेसिटी ऑफ दिस पावरफुल इंजन. अब भाई 250cc की बाइक है, कुछ तो कमाल करती होगी. तो ये जानने के लिए मैं इसके साइट पे गया, तो पता चला इट प्रोड्यूसेस 24.5 PS ऑफ पावर एट द रेट 8750 RPM एंड ए टॉर्क ऑफ 21.4 न्यूटन मीटर एट द रेट 6500 RPM. अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों मैं ठहरा कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट, मैकेनिक्स क्लासेस में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया. आप भी ध्यान मत दो, इतना टेक्निकल हम नहीं जाने वाले. बट हाँ, जब मैं इंजन के स्पेसिफिकेशन की बात करूँगा, तो ये हाई पावर, ये हाई टॉर्क मज़े कितना देती है, बेनिफिट्स क्या क्या हैं इनके, उसकी बात ज़रूर करूँगा. एट द एंड हम नॉर्मल यूज़र हैं, हमें मज़े से मतलब आता है कि नहीं. बात करूँ इसके वेरियंट्स की, तो ये दो वेरियंट्स में अवेलेबल है, F250 एंड N250. N250 ऑलमोस्ट सिमिलर डिज़ाइन, सिमिलर स्पेक्स में आती है. सिर्फ दो डिफरेंस है वहाँ पे, ये जो फेयरिंग डिज़ाइन आप देखते हैं N250 में नहीं है, और ये जो क्लिप ऑन हैंडल बार आप F250 में देख रहे हो, वहाँ पे एक नॉर्मल स्टैंडर्ड हैंडल बार मिलता है आपको, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है. एंड यू नो व्हाट, सबसे खूबसूरत पार्ट क्या है इस बाइक का, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. क्योंकि यहाँ आपको बेजल फ्री डिस्प्ले के साथ सेमी डिजिटल क्लस्टर मिलता है. इतना बेजल फ्री मानो कोई मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन हो. यहाँ टैकोमीटर एनालॉग मिलता है, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर आपको डिजिटल मिलता है. एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ तो आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, टाइम भी बताता है और रेंज भी देखने को मिल जाता है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बाइक. आंखों के सामने रहता है और फीचर्स के साथ साथ इसकी डिज़ाइन कमाल की है. ओके, तो यहाँ पे आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया है उन्होंने, कुछ अच्छे ग्राफिक्स यूज़ करे हैं. ये जो आप ग्रे कलर का देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में. खैर, फीचर्स की बात करूँ, कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, नॉर्मल सारी चीज़ें हैं जो हर बाइक में होती हैं. यहाँ पे सिर्फ सेल्फ स्टार्ट है, किक स्टार्ट नहीं मिलती. एंड टू बी ऑनेस्ट, आपको ये सेल्फ स्टार्ट कभी धोखा नहीं देती है, कभी डिसअपॉइंट नहीं करती है. टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं 6 महीने चला चुका हूँ, मुझे आज तक इसने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया. मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. अरे भाई क्या हो गया, गजब बेइज्जती है. सॉरी गाइस, माय मिस्टेक. साइड स्टैंड इन खड़ा है तो आप बाइक स्टार्ट नहीं कर सकते. लेट मी शो यू द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ दिस सेल्फ स्टार्ट. तो ये है सेल्फ स्टार्ट, आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करता है. एंड 14 लीटर्स का मैसिव टैंक मिलता है आपको, यू नो. और इसकी राइडिंग रेंज है तकरीबन 500 किलोमीटर से थोड़ा बहुत ज़्यादा, यानी कि आप एक बार फुल टैंक करो और 500 किलोमीटर आराम से जाओ. ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट था जिसकी वजह से मैंने इस बाइक को लिया, क्योंकि मुझे हमेशा से एक बड़ा यू नो टैंक साइज़ वाली बाइक चाहिए, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस है, मैं लॉन्ग ट्रिप करना पसंद करता हूँ बाइक से. तो
लिहाजा मुझे एक मैसिव टैंक चाहिए था और इस बाइक में था ये चीज़। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मेटल में है, ये कोई फाइबर नहीं है, तो ये बहुत बढ़िया है। मैसिव टैंक है प्लस मेटल का, 795 mm की सीट हाइट है एंड काफ़ी कंफर्टेबल है। आई मीन खुद की हाइट की बात करूँ तो मेरी हाइट है 5.4 या 5 के आसपास एंड यू कैन सी मैं दोनों पैर आराम से ज़मीन पर रख पा रहा हूँ एंड कम्फर्टेबली मैं बैठ रहा हूँ, मुझे लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर आपकी हाइट 5.4 इंच के नीचे है तो मे भी आपको थोड़ी बहुत लीन करनी पड़ सकती है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है, बट फॉर मी इट्स परफेक्ट। तो यहाँ पे आपको MRF का टायर्स मिल जाते हैं, फ्रंट में आपको 100x80mm की टायर एंड रियर में आपको 130x70mm की। यहाँ पे स्प्लिट सीट मिल जाती है एंड इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। बात करूँ एर्गोनॉमिक्स की तो ये आपको ट्यूबुलर चेसिस फॉर्म में मिल जाता है। ट्यूबुलर काफ़ी पॉपुलर फ्रेम है स्पोर्ट्स बाइक के लिए और ये काफ़ी रिलायबल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको स्ट्रेंथ का पता भी चलता है जब आप इस बाइक को राइड करते हो। खैर बात करो डिज़ाइन की तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे स्पेसिफिकली एन वर्जन और एफ वर्जन में एफ वर्जन ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मुझे ये फेयरिंग डिज़ाइन काफ़ी अपीलिंग सी लगती है, काफ़ी मस्कुलर लगता है, तो मुझे एफ वर्जन काफ़ी पसंद है। ये आपकी चॉइस है, हो सकता है आपको पसंद ना आए लेकिन खैर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये फेयरिंग डिज़ाइन खासकर। गाइस अब बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट नोट की। सच कहूँ तो पल्सर 250F में काफ़ी रिफाइंड एग्जॉस्ट नोट दिया गया और सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। इसकी ग्राउलिंग साउंड, इसकी बेस और इसकी डेप्थ जो है गजब की है, तो मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। लुक एट दिस ग्राउलिंग साउंड। लिटरली जब आप इस बाइक को लेकर रोड पे निकलते हो ना, इसकी साउंड जो है वो बहुत मज़ा देती है और आपको लगता है कि आपने कोई महंगी बाइक और कोई बड़ी बाइक लेके जा रहे हो, मज़ा आ जाता है सच में। तो ग्राउंड क्लियरेंस की तो 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है आपको और ये का आइडल हाइट है। आपको डम्फर्स क्रॉस करने में या फिर अनड्यूलेशंस क्रॉस करने में या फिर ऑफ रोडिंग करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस बाइक की जो लाइटिंग्स हैं कंप्लीट LED लाइटिंग्स हैं, आपको कहीं भी हैलोजन एलिमेंट्स नहीं मिलता है। बात करें फ्रंट में आपके DRLs की, हेडलैम्प्स की, टेल लैम्प्स की या फिर इंडिकेटर्स की, सब कुछ आपको LED मिलती है और इसके थ्रो इतना बढ़िया है कि आपको आफ्टर मार्केट एक्स्ट्रा कोई लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस बाइक को राइड करा है रात के कंडीशंस में, आप पुराने व्लॉग्स देख सकते हैं। कमाल का लाइट है, कमाल का थ्रो है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द लाइटिंग्स ऑफ दिस बाइक। और खासकर ये जो DRLs है, ये जो बूमरैंग शेप में DRLs आती हैं, ये खतरनाक लगती है भाई साहब सच में। जब आप इसको रात में जला के देखोगे ना फ्रंट से, तो आपको लगेगा कोई वुल्फ या फिर कोई खतरनाक सा जानवर आपके सामने खड़ा है और आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मज़ा देती है फ्रंट का DRLs। अब इसके लेटेस्ट अपडेट्स की बात करूँ तो 3 मेजर अपडेट्स हुए हैं। पहला, ये बाइक सिंगल चैनल ABS में आता है लेकिन अब डुअल चैनल ABS में भी ये लॉन्च हो चुकी है, वो भी सिर्फ ब्लैक कलर में। दूसरे अपडेट्स की बात करूँ तो डुअल चैनल ABS में आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि आप आफ्टर मार्केट जाके किक स्टार्ट भी लगवा सकते हैं इनकेस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। तीसरा अपडेट है F250 सिंगल चैनल ABS में ब्लू कलर भी इंट्रोड्यूस हो गया है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ कलर्स की तो ये आपको 4 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल मिलती हैं, पहला रेड, दूसरा ग्रे, देन ब्लू एंड देन ब्लैक। दोस्तों बाकी सब तो ठीक है, स्पेसिफिकेशन अपने जगह, परफॉर्मेंस अपने जगह, लेकिन क्या ये अफोर्डेबल है? तो बात करूँ इसके प्राइस की तो F250 वर्जन आपको 1,40,000 के आसपास मिल जाता है, एक शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, एंड RTO इंश्योरेंस मिला के 15-20% ज़्यादा लगेगा, तो तकरीबन 160-165 के बीच में आपको ये बाइक पड़ जाएगी। तो इज़ इट वर्थ परचेसिंग दिस बाइक एट 160 अराउंड? आई बिलीव पर्सनली येस, बिकॉज यू विल नॉट रिग्रेट दिस इन्वेस्टमेंट। 250cc की बाइक आपको इस प्राइस रेंज में और कहीं नहीं मिलेगी और जिस तरीके से ये परफॉर्म करती है, जितना रिलायबल है, जितना सेफ है और जितना बढ़िया ये दिखती है ये बाइक, उसके हिसाब से आप जो कॉस्ट इनकर करने वाले हो वो जस्टिफाइड है। अब बात करते हैं इस बाइक के हर्ट की, यानी कि इसके इंजन की। तो यहाँ पे आपको बजाज की खुद की DTSI सिंगल सिलेंडर ट्विन स्पार्क ऑयल कोल्ड इंजन मिलता है विद 250 कैपेसिटी और इसकी परफॉर्मेंस की तो क्या ही कहने, वो हाई टॉर्क और हाई पावर जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कही थी, अब वक्त आ गया है उसको उसके मज़े दिखाने का। तो एक राइड रिव्यू करेंगे और बाकी सारी अब बातें हम राइड में करेंगे। इसकी हैंडलिंग की बातें अभी करनी है, इसकी कम्फर्ट के बारे में बातें करनी है, इसका आपको मुझे ब्रेकिंग सिस्टम दिखाना है, तो सारी बातें अब हम राइड रिव्यू के दौरान करते हैं। तो चलिए एक राइड रिव्यू लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा इंदौर मेट्रो का कार्य प्रगति पे है, इंदौर आगे बढ़ रहा है हमारा और हम भी आगे बढ़ते हैं। गाइज़ थोड़ा सा खुला आसमान मिल जाए उसके बाद हम हायर RPM में रेव करके इसके पावर को महसूस करेंगे और साथ ही बात करेंगे इसके टॉर्क के फ़ायदे के बारे में। तो फिलहाल बात करते हैं गाइज़ इसकी हैंडलिंग एंड कम्फर्ट की।
तो मैं बता दूं कि 164 केजी की बाइक है, लेकिन इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना बढ़िया है कि आपको इस बाइक को मैन्यूवर करने में, हैंडल करने में, ट्रैफिक से निकालने में, कॉर्नरिंग करने में ज़रा सा भी इसका वेट का अंदाज़ा आपको नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब आप इसे पार्क करते हो और वहाँ से आपको निकालना हो, उस वक्त आपको इसका वेट थोड़ा बहुत महसूस होता है। अदरवाइज़ ये बाइक चलाना एकदम मक्खन है भाई साहब, एकदम मक्खन। एंड इसके कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो गाइज़ मुझसे बेहतर और कौन बता सकता है। झारखंड टू इंदौर मैंने तकरीबन 1400 किलोमीटर बाइक को चलाया है, क्रूज़ करा है, तो कंफर्ट के मामले में गाइज़ मुझे कभी कोई शिकायत नहीं आई। चूँकि इसका हैंडल बार ऊपर है टैंक से एंड आपको ज़्यादा आगे लीन नहीं करना पड़ता है, तो लिहाजा आपके कमर पर कभी प्रेशर नहीं पड़ता है एंड लॉन्ग ट्रिप पर आपको कमर दर्द का कभी शिकायत नहीं होती। तो कंफर्ट के मामले में गाइज़ मैं इसे अच्छी खासी रेटिंग दूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी लंबा राइड कर चुका हूं इस बाइक के ऊपर। ब्रेक्स काफ़ी डिसेंट है, फ्रंट ब्रेक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, रियर ब्रेक में थोड़ा सा मुझे लगता है कि बाइट की कमी है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स सेफ़, बट स्टिल मुझे थोड़ी बाइट की कमी महसूस होती है। एंड सिंगल चैनल ABSF, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है सेफ्टी पर्सपेक्टिव से, बट ये इमरजेंसी ब्रेक मारते हो तो अननेसेसरली ये इंट्रूड नहीं करता है आपका ABS, तो सेफ्टी पर्पज़ से ये मशीन आपको कोई शिकायत नहीं देने वाली। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं भूल रहा था, इसकी माइलेज गाइज। तो सच कहूँ सिटी राइड में तो मैंने कभी इसका माइलेज टेस्ट नहीं करा, बट हाँ झारखंड टू इंदौर वाले ट्रिप पे मैंने हाईवे पे इसका माइलेज ज़रूर टेस्ट करा था एंड आई गॉट अराउंड 45 के आसपास एंड इट्स अ गुड एवरेज। मैं 80-90 में क्रूज़ कर रहा था एंड इतना अच्छा माइलेज निकला है, वो भी फर्स्ट सर्विसिंग के बाद, तो इकोनॉमिकल तो है नो डाउट। 250 cc की बाइक इस तरह से माइलेज दे रही है 40 के आसपास, तो रीज़नेबल है। वैसे गाइज इसका जो टॉर्क है ना, मुझे इसके तीन फ़ायदे देखने को नज़र आए हैं। बाइक जब आप इनिशियली एक्सेलरेट करते हो तो काफ़ी अच्छा पुल कर लेता है बाइक को, इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा है बाइक का, अब चाहे सिंगल हो चाहे लोडेड हो, आपके लोड को भी बहुत अच्छा मैनेज कर लेता है इसका हाई टॉर्क, सो पुल पावर काफ़ी अच्छा है इस बाइक का। दूसरा, जब बाइक को आप कहीं इंक्लाइन सरफेस पे, जैसे कि ये फ्लाईओवर हो गए, तो जब आप चढ़ान की तरफ चलते हो तब भी बाइक अपने आप को काफ़ी एफर्टलेसली पुल करती है। एंड जब आप सिटी राइड कर रहे हो उस वक्त भी आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप थर्ड गियर में भी, फोर्थ गियर में भी बाइक अच्छे से अपने आप को पिकअप कर लेती है। तो ये हैं इसके अपने फ़ायदे। अब बखूबी आप 21.4 न्यूटन मीटर टॉर्क को महसूस कर सकते हो। गाइस मुझे लग रहा है थोड़ा खुला आसमान मिल चुका है, हाई रेव कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, थोड़ा सा थ्रॉटल करते हैं बाइक को, मज़े लेते हैं इसके हाई पावर का। क्या बोलते हो, शुरू करें? गेट सेट रेडी। मैक्सिमम 6000 RPM पे गाइस, फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव मैं ज़्यादा नहीं रेव कर सकता हूँ गाइस, सच में कहूँ इट्स अमेजिंग, इट्स सच अ पावरफुल मशीन। दोस्तों सेफ्टी पर्सपेक्टिव से मैंने ज़्यादा रेव नहीं किया, बट सच कहूँ तो बहुत मज़ा देती है इसका पावर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस बाइक का, और ऑल इन ऑल इट्स अ गुड मशीन, इट्स अ गुड पैकेज विद दिस प्राइस रेंज। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं। गाइस ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल पे, आपके रिक्वायरमेंट पे। अगर आप उनमें से हैं जो मोस्टली सिटी राइड करते हैं, आपको बाइक हाउस होल्ड के लिए चाहिए, मार्केट आने जाने के लिए चाहिए, ऑफिस आने जाने के लिए चाहिए, तो आई गेस ये बाइक आपके लिए उतना इकोनॉमिकल नहीं साबित होगा। आप 125-150 cc की बाइक ले सकते हैं, पल्सर की खुद की बाइक है, या फिर आप रेडर 125 अपाचे 160 RTR ले सकते हैं, वो आपके लिए इकोनॉमिकल रहेगा। लेकिन
आपकी रिक्वायरमेंट मेरी तरह है, जहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस बाइक चाहिए, आपको इकोनॉमिकल भी चाहिए, अफोर्डेबल भी चाहिए, प्लस स्पोर्टी लुक के साथ चाहिए, आप उसे क्रूज़ कर सको हाईवे पे, आपको एक सिटी राइड के लिए भी एक अच्छी दिखने वाली बाइक चाहिए, अच्छी डिज़ाइन वाली बाइक चाहिए, ऑल इन ऑल आपको एक ऑलराउंडर बाइक चाहिए रविंद्र जाडेजा की तरह, देन यू कैन गो फॉर दिस बाइक ब्लाइंडली एंड ट्रस्ट मी अगेन आई एम सेइंग यू विल नॉट रिग्रेट दिस इन्वेस्टमेंट। दोस्तों रिव्यू के पर्सपेक्टिव से बस इतना ही, अब वक्त आ चला है उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का डिस्कशन करने का जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था। मैं दरअसल बात कर रहा हूँ आजकल के इन कीज़ के बारे में, आजकल के जनरेशन की बाइक्स की जो की हैं उनको वेव की कहा जाता है और ये एक पैटर्न के साथ आती हैं और इनको कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल मशीन से बनाया जाता है, यानी कि CNC मशीन से, और इसमें कोई भी मैनुअल एफर्ट नहीं लगता। लिहाजा ऐसे में अगर आपकी बाइक की कीज़ गुम हो जाए तो आप क्या करें। वैसे सॉल्यूशंस तो कई सारे हैं, जैसे कि आप अपने की सेट को चेंज करा सकते हैं, बट इसमें काफ़ी खर्चा होगा क्योंकि आपके पूरा जो सेट अगर चेंज होगा तो 3 सेट चेंज होगा, आपका जो मेन की बॉक्स है, देन आपका टैंक है, और अगर आपके पीछे में कहीं डिक्की में अगर खुलती है उसी चाबी से तो आपका तीनों जो सेट है वो चेंज होगा और ये काफ़ी महंगा पड़ जाएगा आपको, ये एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अपने इग्निशन बॉक्स को खोलें या और किसी डीलर को दे दें, वो इसका पोस्टमार्टम करके आपका जो की का जो पैटर्न है उसको अनलॉक करेंगे एंड देन वो मैन्युअली बनाएंगे, जो कि अगेन रिलायबल नहीं है और प्लस लेंथी प्रोसेस भी है। तो इसका सबसे आसान सॉल्यूशन ये है गाइस कि जब आपको बाइक की डिलीवरी दी जाती है तो आपने नोटिस किया होगा ये आपको छोटा सा कार्ड मिलता है और ये कोई फालतू कार्ड नहीं, इसे कभी फेंके ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। इस पर 4 डिजिट का कोड है जो कि आपके इसके वेव का पैटर्न है। आपने CNC डीलर को बस ये कोड बताना है और आपका की विद इन 5 मिनट्स बनके तैयार हो जाएगा, कोई झंझट नहीं, कोई लफड़ा नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस कार्ड को आपने सेफ रखना है, कहीं पे आप नोट कर लें या फिर इसके जो नंबर है उसको कहीं एटलीस्ट नोट करके सेव कर लें एंड दैट्स इट। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है। तो इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा एक नई वीडियो, एक नए सफ़र, एक नए अंदाज के साथ। सो टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ एंड कीप मूविंग।